महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला के रोकने दौरान हिंसा हो गई। नांदेड़ में गुरुद्वारे के बाहर होला मोहल्ला मनाने से रोकने पर सिख समुदाय के लोगों ने सोमवार को पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। झड़प में कम से कम 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक का अंगरक्षक भी शामिल है। दरअसल नांदेड़ में सचखंड हुजूर साहिब गुरुद्वारे में होली के मौके पर प्रशासन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में होला मोहल्ला का आयोजन कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से करने की सलाह दी गई। अत्यधिक भीड़ जमा नहीं हो, इसलिए गुरुद्वारे के गेटों पर ताले लगा दिए गए, लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं था। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया गया। हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। पुलिस के मुताबिक तलवारों से लैस सिख युवकों ने गुरुद्वारे के गेट को तोड़ दिया और पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें तलवार लिए लोगों की भीड़ गुरुद्वारे से बाहर निकली और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए। इस हिंसा में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि दोपहर तक गुरुद्वारे में सारे धार्मिक अनुष्ठान और होली शांतिपूर्वक मनाई गई, लेकिन होला मोहल्ला प्रतीकात्मक रूप से निकालते समय भारी भीड़ गुरुद्वारे परिसर में जमा हो गई। कुछ लोगों ने गुरुद्वारे के गेट के ताले तोड़ दिए, जिस वजह से जुलूस रास्ते पर आ गया। पुलिस को सूचना मिलते ही भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई। सूचना मिलते ही DIG निसार तंबोली भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से स्थिति पर काबू पाया। फिलहाल वहां तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वही आपको बता दें, नांदेड़ रेंज के DIG निसार तंबोली ने बताया, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए होला मोहल्ला की अनुमति नहीं दी गई थी और गुरुद्वारा कमेटी को भी इसके लिए सूचित कर दिया गया था। कमेटी ने हमें भरोसा दिया था कि वो होला मोहल्ला कार्यक्रम गुरुद्वारे के अंदर ही करेंगे। हालांकि निशान साहिब को 4 बजे जब द्वार पर लाया गया तो कई लोगों ने बहस शुरू कर दी और 300 से अधिक युवा दरवाजे से बाहर आ गए, बैरिकेड तोड़ दिए गए और पुलिस कर्मियों पर हमला शुरू कर दिया। निसार तंबोली ने कहा कि 4 में से कांस्टेबल की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि भीड़ ने पुलिस के 6 वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिए। DIG ने कहा कि कम से कम 200 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 324, 188, 269 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।